हमारे बहन का किरदार में जो रानी भारती बन करके या इस तरह का ठेपा लगा रही हैं तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल चरित्र हनन वाली मामला है। राज्यपाल का भी गलत दिखाया जा रहा है, राजभवन को भी गलत दिखाया जा रहा है, और खाली जो है बहन राबड़ी जी का जो दिखा रहा है वो तो बिल्कुल ही घोर आपत्ति वाली बात है। जैसे गंगा जल बना दिया गया था, उसमें तो सीधे तौर पर साधु यादव नाम दे दिया था। कुछ लोगों को मजा आ रहा होगा, ये भी बात हम मानते हैं। उसमें तो ये भी कहा गया है कि उनके पेट में दांत है, नाम उनमें उसमें नवीन कुमार, उसमें चारा घोटाला भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक गंगा जल फिल्म और अपहरण फिल्म बना था, और उसके पहले भी एक सुल या पिक्चर आया था बिहार के अंदर, तो बिहार का छवि खराब करने की बात हो रही थी। बिहार के तो डायरेक्टर, बिहार के हीरो, तो इसमें तो बिहार का कोई हीरो नहीं है, बिहार का कोई डायरेक्टर नहीं है। प्रधानमंत्री का जो डिग्री का सवाल उठ रहा है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं डिग्री अपना दे रहे हैं? वो तो बोले कि 20 साल हम पहाड़ में रहे और इतना दिन यहाँ रहे, उतना दिन वहाँ रहे। हम अहिर हैं, हम ग्वाला हैं, हम जादो हैं, और मेरा पैसा भी है दूध, तो इसका मतलब हम गोइंठा पाठना भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम गोहरा भी पाट लेंगे, हम मेहनत भी करेंगे, हम खेत में अन्न भी पैदा करेंगे, किसानी भी करेंगे, और भैंस भी चराएंगे, गाय भी चराएंगे, गाय भी दुहेंगे और भैंस भी दुहेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? सरकार भी चलाएंगे। कृष्ण भगवान भी गाय भैंस चराते थे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का जो है कृष्ण भगवान थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लालू राबड़ी जी के परिवार पर फिल्म बना के लोग पैसा कमाते, पैसा कमाता है, दाल रोटी के लिए करता है, तो यही बात है, और कोई बात नहीं है। अवार्डो मिल जाता है, अवार्डो मिल जा रहा है। हम तो BSP बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं। आपके साथ जो आपकी पार्टी के जो विधायक जीते थे जमा खान, वो तो चल गए नीतीश जी के साथ। वो नीतीश जी के साथ है गए? नीतीश जी तो फिर बीच में लालू जी के साथ सरकार बनाए किए थे। नीतीश जी के साथ गए तो कोई दिक्कत नहीं बीजेपी के साथ? पार्टी और उसका विचार मिलना चाहिए दोनों का। लगता है बसपा का विचार जदयू से मिल रहा है। मांझी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। अभी जो खबर चल रही है कि मांझी जी कभी भी नीतीश कुमार की सरकार को गिरा सकते हैं, RJD के साथ जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? चूंकि आप मांझी जी के करीब हैं, अंगणित तेजस्वी के पास है। आप जो ये बात बोल रहे हैं, यही बात BJP के एक MLC बोल रहे हैं, टुन्ना पांडे, आप तो शहाबुद्दीन के करीब ही रहे हैं। नहीं, हम कभी नहीं रहे, कभी नहीं, उनका आपका कभी नहीं, वो हमसे आके मदद लेते थे, तो करीब हुआ ना? नहीं, वो आपके करीबी थे? हाँ, नहीं नहीं, वो आपका संबंध उनके साथ ठीक था? नहीं, वो आते थे मेरे यहाँ, 6-6 घंटा बैठते थे। हाँ, तो संबंध था ना? ये बात सही है, वो आते थे मेरे यहाँ बैठते थे। तो उनके बारे में भी बोले हैं टुन्ना पांडे जी, हाँ, कि उनकी हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार का हाथ है। हमारे नौजवान को, बिहार के नौजवान को अभी तक किसी को मिला नहीं 5,000 रुपया। तो मांझी जी को चाहिए था कि सरकार से पूछे कि हमने जो कमिटमेंट किया घोषणा पत्र में, हम सरकार में आ गए और हमारे 4 विधायक और 8 विधायक के चलते सरकार चल रही है, तो हमारी मांगे कब पूरी होगी? सोनी लिप पे एक वेब सीरीज आई है, नाम है महारानी। कुछ लोग इसका विरोध करें, खास करके जो राजद वाले लोग हैं वो, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वेब सीरीज राबड़ी देवी और लालू यादव पे बनाई गई है। राबड़ी देवी का जो शासनकाल था, जब वो मुख्यमंत्री थी, उसी दौर के बारे में इसमें बताया गया है, दिखाया गया है। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव, जो रिश्ते में राबड़ी देवी जी के अपने सगे भाई हैं। इनका क्या कहना है इस वेब सीरीज पे? आप इसके समर्थन में हैं कि राबड़ी देवी के शासनकाल को अच्छा दिखाया गया, या फिर आप विरोध में हैं? और क्या आप मानते हैं कि ये राबड़ी देवी जी के ऊपर ही ये वेब सीरीज बनाई गई, क्योंकि जो बनाए हैं वो बोल रहे हैं कि फिक्शन है, काल्पनिक? ये बात सही है कि आप जो पूछ रहे हैं, इसमें महारानी पिक्चर का और जो किरदार निभा रही हैं उमा कुरैशी जी, जो रानी भारती बनी हैं, तो ये बिहार के बारे में इस तरह का हरकत ये लोग करके बना रहा है। ये सेंसर बोर्ड भी इसको पास कर दिया, समझ नहीं पाया ठीक से, और सेंसर बोर्ड को भी देखना चाहिए था कि इसमें सचमुच जो है किरदार जो है सही है या गलत है, इसका आकलन करना चाहिए था, जो कि ये लोग बिना किए हुए ही इसको सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, और सेंसर बोर्ड को पास करने के पहले सारे तथ्यों पर जाना चाहिए था और तथ्य पर आधारित होना चाहिए था, तो बिना तथ्य का ये प्रसार हो रहा है। और मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि चरित्र हनन का इसमें बू आता है। अच्छा।
चूँकि जिस तरह से रानी भारती बना करके चलाया जा रहा है, तो हमारी जो बहन है वो बिल्कुल पढ़ी लिखी है और जितना भी पढ़ी है पढ़ी लिखी है, और अंगूठा छाप दिखा, हाँ उसमें अंगूठा छाप दिखाया जा रहा है। तो हमारे बहन का किरदार में जो रानी भारती बन करके इस तरह का ठेपा लगा रही हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल चरित्र हनन वाली मामला है और बिहार का छवि खराब करने वाला मामला बनता है। और ऐसे लोगों से एक पहले भी बिहार में और चरित्र खराब करने का पॉलिटिकल पार्टी का छवि का सरकार का किया गया था। तो जैसे गंगा जल बना दिया गया था, बना दिया गया था, उसमें तो सीधे तौर पर साधु यादव नाम दे दिया था। तो ये बिहार के लोगों को सोचना चाहिए था कि ऐसे बिहार का छवि खराब होता है, न कि कोई बहुत बड़ा, जो बिहार के लोग अगर कई तरह के पार्टियां है और सरकार में भी बैठने वाले दूसरे लोग हैं तो कुछ लोगों को मजा आ रहा होगा, ये भी बात हम मानते हैं, लेकिन बिल्कुल बिहार के छवि के साथ खिलवाड़ है। उसमें तो ये भी कहा गया है कि उनके पेट में दांत है, नाम उनमें, उसमें नवीन कुमार है। हाँ, जो सदन में दिखा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो नवीन कुमार हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार रखा गया है। अच्छा। तो नीतीश कुमार जी के बारे में भी वो बोल रहा है कि इनका पेट में दांत है। हाँ। नवीन का जो उसमें जो किरदार निभा रहा है। हाँ। तो वही बात हम कर रहे हैं कि बिल्कुल बिहार का छवि खराब किया जा रहा है। तो ईमानदार भी तो दिखाया गया राबड़ी देवी को उसमें, अगर आप मानते हैं राबड़ी देवी जी के ऊपर है तो रानी भारती उसमें ईमानदार है। हम पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि पूरा कैरेक्टर को देखना चाहिए था और तब सेंसर बोर्ड को इसको पास करना चाहिए था। कहीं आप ठेपा दिखा रहे हैं, कहीं आप उसमें चारा घोटाला भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कई तरह का बिंदु बनता है। बहुत कुछ ऐसा है जो कहते हैं कि काल्पनिक है, तो उसमें चरवाहा विद्यालय भी दिखाया गया है। हाँ, तो ये देखिए, हम वही बात बोल रहे हैं कि चरवाहा विद्यालय उसमें जब दिखाया गया है तो चरवाहा विद्यालय का उद्देश्य क्या था। हमारा जो पुराने जो नेताजी का जो पार्टी था, वो सरकार जो थी, उसमें यही था कि ललमुनिया बेटी पढ़ते जाए, गैया भैंसिया चरते जाए और ललमुनिया बेटी पढ़ते जाए, उसमें ये हम स्लोगन था उस समय सरकार का। और गरीब गुरबा का जो दबे कुचले पिछड़ा जो भी लोग थे, जो बकरी चराने वाले थे, गाय चराने वाले थे, भैंस चराने वाले थे, सुअर चराने वाले थे, मुर्गी चराने पालने वाले थे, तो सबका बच्चा जो है अगर पढ़े और लिखे आगे बढ़े, ये सरकार का था उस समय लालू जी के टाइम में, राबड़ी जी के टाइम में। चरवाहा विद्यालय सर एक ऐसी योजना थी। हाँ। जिसमें छः छः जो मंत्रालय विभाग। हाँ। सीधे तौर पर उस पर लगे हुए थे, मतलब उसके लिए काम कर रहे थे। हाँ, ना वही हम बात बता रहे हैं कि जो जो बच्चा स्कूल जाने से वंचित रह जाता था, भैंस चराने में, गाय चराने में, मुर्गी सुअर चराने में, मुर्गी चराने में, तो ये सारे बच्चों को वो चरवाहा विद्यालय इसलिए खुला गया था कि अपना चरवाहा विद्यालय गाय को उधर छोड़ दे, भैंस को उधर छोड़ दे, और वहाँ भैंस भी चर रही है, गाय भी चर रही है, सुअर भी चर रही है, मुर्गी चराने वाले भी, बकरी चराने वाले भी अपना विद्यालय में पढ़ भी रहे हैं और उधर चर भी रहा है। आते हैं सर वेब सीरीज में। हाँ। आप भी उस समय पॉलिटिकल रूप से बहुत सक्रिय थे। हाँ। जिस समय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी बिहार की। हाँ। और बिहार की पहली और अभी तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी। तो जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तब क्या वो शपथ पत्र बोलने के बाद भी दोहरा नहीं पा रही थी, ऐसा उसमें दिखाया गया? नहीं, बिल्कुल महामहिम राज्यपाल जब, ये गलत बात है। उसमें तो जो किरदार इसमें जो दिखाया जा रहा है, राज्यपाल का भी गलत दिखाया जा रहा है, राजभवन को भी गलत दिखाया जा रहा है, और खाली जो है बहन राबड़ी जी का जो दिखा रहा है वो तो बिल्कुल ही घोर आपत्ति वाली बात है। वो ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, लोग हंसते हैं। हाँ, दिखाना नहीं चाहिए था इसको, तरीका से बनाना चाहिए था जिसमें उसमें ठेपा दिखा रहा है। तो यही पूछना चाहते हैं कि राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी तब वो अपना नाम लिख पाती थी, साक्षर थी? हाँ, बिल्कुल तो रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है। बहन वही तो बात हमने बोला कि वो पढ़ना जानती थी, लिखना जानती थी, ऐसा नहीं है, और उसमें ठेपा दिखा रहा है। तो जो आदमी जितना भी पढ़ा, चाहे
वो चौथा क्लास पढ़ी या तीसरा क्लास पढ़ी, लेकिन पढ़ी थी। तीसरा चौथा क्लास के लोग पढ़ते नहीं हैं। और इस देश में तो बहुत अनपढ़ आदमी देश का प्रधानमंत्री कामराज जी भी बने थे। देव चौधरी देवीलाल तीसरा पास थे, देश का उप प्रधानमंत्री बने थे। मैट्रिक पास कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और अनपढ़ आदमी नहीं बना। जज फर्नांडिस भी तो मैट्रिक के पास थे, रक्षा मंत्री बना, तो रेल मंत्री भी बना। तो ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो नहीं बनेगा। कहाँ लिखा है कि जो पढ़ा लिखा नहीं तो नहीं बना? ऐसा तो कहीं नहीं है। अभी तक तो प्रधानमंत्री जी की भी डिग्री की मांग होती है। प्रधानमंत्री का जो डिग्री का सवाल उठ रहा है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं डिग्री अपना दे रहे हैं? वो तो बोले कि 20 साल हम पहाड़ में रहे और इतना दिन यहाँ रहे, उतना दिन वहाँ रहे, तो सवाल तो बन रहा है। अच्छा, वेब सीरीज को लेकर सर आपत्ति है आपकी, तो आप कानूनी तौर पर कुछ कार्रवाई करने के मूड में हैं? नहीं, हमने ये विरोध जताया कि हमने वही बात बोल रहे हैं कि एक गंगा जल फिल्म और अपहरण फिल्म बना था, और उसके पहले भी एक सुल या पिक्चर आया था बिहार के अंदर, तो बिहार का छवि खराब करने की बात हो रही थी। बिहार के तो डायरेक्टर, बिहार के हीरो। हाँ, तो इसमें तो बिहार का कोई हीरो नहीं है, बिहार का कोई डायरेक्टर नहीं है, उसमें तो बिहार के लोग थे, अब बिहार का छवि खराब कर रहे थे। इसमें हमारा यही मूल बात है कि जो किरदार जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ठेपा दिखाया जा रहा है, ओथ पढ़ने नहीं आ रहा है वो दिखाया जा रहा है, तो ये सब गलत है। हमारी रबड़ी देवी बहन जो थी वो खूब सब लोग देखे हैं, उसका तो रिकॉर्ड नहीं सर, उसमें राज्यपाल जी बोल रहे हैं तो सुन के दोहरा नहीं पा रही, ये दिखाएगा। हाँ, तो यही ना कह रहे हैं, तो ऐसा कहाँ है? साक्षर नहीं होना अलग बात है, अगर कोई पढ़ी लिखी नहीं है तो किसी का सुन के भी नहीं बोल पाना, तो ऐसा नहीं है ना। हमारी बहन राबड़ी देवी के साथ तो ऐसा नहीं है, और वो इसमें दिखा रहा है, तो ये चरित्र हनन है और बिहार का छवि भी खराब किया जा रहा है। हमारे कहने का सेंस वही था कि जैसे अपहरण और गंगा जल बना करके किया गया था, छवि खराब किया गया। ऐसा लगता है कि बिहार में अभी तक एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी। हाँ, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ना उसके पहले ना उसके बाद कोई मुख्यमंत्री महिला नहीं बना है। तो पहले बिहार की पहली महिला, इसमें महिला का भी छवि खराब किया जा रहा है, महिला का भी छवि खराब किया जा रहा है, बिहार के महिलाओं का भी छवि खराब किया जा रहा है। ऐसा भी है कि जो किसी कारण बस मजबूरी में पढ़ नहीं पाए, गरीबी की वजह से, बहुत वैसे लोगों का भी उस जमाना की बात कर रहे हैं जिस जमाना में कई किलोमीटर जा करके लोग स्कूल जाते थे, और घर के महिलाएं जो लड़कियां हुआ करती थी उसको जो है घर के लोग पर्दा में रखते थे। उस जमाना था वैसा ही कि जो गांव में स्कूल होगा तो पढ़ लिख लेगा, गांव में स्कूल नहीं होगा तो नहीं, पढ़ने लिखने के लिए लोग भेजते थे, दूर नहीं भेजा करते थे। तो वो भी बात, वो भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब तो नए नए युग में अब स्कूल सब जगह खुल रहा है, खुला है। राबड़ी देवी तो खुद स्कूल खोली, खुद हाई स्कूल बनवाई वहाँ गोपालगंज में, और अपने घर में हाई स्कूल भी, मिडिल स्कूल भी सब खुला हुआ है बनने के बाद। तो उन्होंने तो दिया, लेकिन उसके पहले जो जिनकी भी सरकार रही हो तो उन लोगों ने तो किया नहीं था। 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर लोग साइकिल से जा करके स्कूल जाते थे। अभी तक राबड़ी देवी जी का कुछ बयान नहीं आया। अब चलिए, अब उस पर हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है। देखे सर, पूरा तो हम नहीं देखा है, कुछ कुछ देखा है जो कि हमको पसंद नहीं आया। अच्छा, एक पूरा देखने का फिर मन नहीं किया, उसके बाद नहीं देखा। वेब सीरीज में सर लालू यादव का जो किरदार कहा जा रहा है, भीमा भारती जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अब जब घर जाते हैं तो रानी भारती, लोगों के कहने अनुसार राबड़ी देवी जी उनको कहती हैं दूध दुह के आइए, तो इसको ये इस रूप में आप देखते हैं कि कोई मुख्यमंत्री भी बन जाए तो जाति को लेके अपमानित किया जाता है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, देखिए हमारा तो पैसा ही है, हम अहिर हैं ना। हाँ। हम अहिर हैं, हम ग्वाला हैं, हम जादो हैं। हाँ। और मेरा पैसा भी है दूध। हाँ। तो इसका मतलब हम गोइठा पाटना भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। हम गोहरा भी पाथ लेंगे। हाँ। हम मेहनत भी करेंगे, हम खेत में अन्न भी पैदा करेंगे, किसानी भी करेंगे। हाँ। और भैंस भी चराएंगे, गाय भी चराएंगे, गाय भी दुहेंगे और भैंस भी दुहेंगे। हाँ। तो इसमें बुराई क्या है? सरकार भी चलाएंगे, बुराई क्या है? मेहनत करना, काम करना, भैंस दुहना, गाय दुहना, गोबर पाथना, पढ़े लिखे लोग गोबर नहीं पाते। हाँ। तो इसका मतलब कि वो गोबर पाथवा थोड़ी कहेगा? पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी आप देखते नहीं कि आप ये मकई जो खेत में पैदा होता है
तो आपके यहाँ मकई का बाल बोलता है, अब वही मकई को मल्टी में ले जाइए तो उसका रेट क्या हो जाता है? पॉपकॉर्न बेचता है तो एक वो डब्बा 500 में बिकता है, चिप्स वाला 2 रुपया का एक वो बाल मिलेगा और 2 रुपया में 500 रुपया हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज किसानी हो या गाय भैंस हो या खटाल हो, हाँ नहीं आप देखिए पूरा खटालों का जमावड़ा हो गया, खाली जादुओं का नहीं, अब तो बहुत ब्राह्मण भी कर रहे हैं, भूमियार भी कर रहे हैं, राजपूत भी कर रहे हैं, हाँ गाय भैंस का काम तो वो भी कर रहे हैं, तो इसमें कौन बुराई है? इसमें आपको दिक्कत नहीं? कोई बुराई नहीं है, हमारा पेशा है, हमारा धर्म है, हमारा काम है। कृष्ण भगवान भी गाय भैंस चराते थे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का जो है कृष्ण भगवान थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस चीज पसंद है? ये हमको पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हमारा वो पैसा भी है, दूध दोना दूध बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम खाली दूध ही बेचेंगे आप भैंस चराएंगे गाय चराएंगे हम सरकार नहीं चलाएंगे। हम सरकार भी चलाएंगे और गाय भैंस भी दूहेंगे और खेती भी करेंगे। एक अब हो गया वेब सीरीज के बाद अलग सवाल, जब चुनाव आता है सर तो आप बहुत एक्टिव होते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होता तो राजनीतिक तौर पर आप सक्रिय नहीं होते? नहीं ऐसा नहीं है, हम तो BSP बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं और उसी से हम चुनाव लड़े थे, हमको 51,000 वोट प्राप्त हुआ था गोपालगंज इस बार के चुनाव में, और उसके पहले भी हम महाराजगंज से लड़े थे लोकसभा, हमको 35,000 वोट आया था। तो चुनाव की बात, चुनाव के बाद BSP बिहार में विस्तार हो बढ़े इसके लिए तो कुछ उस तरह का? असल में हमारे BSP पार्टी का जो पॉलिसी है वो बहन जी जो है वो कहीं धरना प्रदर्शन पर भी उन्होंने पार्टी के लोगों को बोलती है कि उससे कोई फायदा नहीं है धरना प्रदर्शन से, बात समझ गए, धरना प्रदर्शन होता नहीं, कोई फायदा नहीं मिलता है आम आदमी को, और उल्टे केस मुकदमा, हाँ केस मुकदमा हो जाता है, तो इसलिए पार्टी इस तरह से अपना जो है चुनाव फाइट करती है और चुनाव में जो जीत के आते हैं तो जनता के आवाज़ को बुलंद करने का सदन ही एक जरिया है, तो ये सारी बात है। अभी एक खबर आई सर, BSP की खबर है और अभी की खबर कि बसपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकाला, मायावती के बहुत करीबी रहे, आरोप है कि पंचायती चुनाव में पार्टी विरोधी काम किए थे। अब पार्टी का डिसीजन है तो सही होगा, पार्टी का डिसीजन है, बहन जी का डिसीजन होगा, मायावती जी का तो सही होगा। और एक सवाल है क्योंकि आप मांझी जी के बहुत करीब रहे, जब मांझी जी बगावत किए थे नीतीश कुमार के साथ तब आप मांझी जी के साथ खड़े थे, अभी जो खबर चल रही है कि मांझी जी कभी भी नीतीश कुमार की सरकार को गिरा सकते हैं, RJD के साथ जा सकते हैं, आपको क्या लगता है चूंकि आप मांझी जी के करीब रहे? मांझी जी का हम तो पहले भी कहा कि मांझी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको समय नहीं मिला, उनको समय नहीं दिया गया, नहीं तो उनका जो पीरियड था आज जिस रफ्तार में अपना काम करना शुरू किए थे, अगर उनको मौका मिला होता तो शायद बिहार को अच्छा एक सरकार मिली होती और अच्छा बिहार में काम हुआ होता। क्या लग रहा है सर, अभी आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, सक्रिय हैं, क्या लग रहा है देख के कि नीतीश की सरकार बचेगी नीतीश की? अब ये हम नहीं कह सकते हैं इसलिए कि अंक गणित का खेल होता है और अंक गणित तेजस्वी के पास है, 110 है, और मांझी जी का क्या व्यू है अभी वो महागठबंधन के तरफ है नहीं, NDA के तरफ है, और उनके जो साथी हैं मुकेश साहनी जी वो भी NDA के साथ हैं, तो ये लोगों का क्या व्यू है, क्या भावना है, ये लोग गरीब के पक्ष में बिहार के पक्ष में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनकी आवाज़ उठ रही है, ये क्या आवाज़ उठा रहे हैं, ये सारी बिहार की जनता देख रही है। और मांझी जी ने बहुत अच्छा बात बोला था कि 5,000 रुपया प्रत्येक बेरोजगार को हम देंगे अगर सरकार बनती है, तो सरकार तो उनकी बन गई। अब सरकार बन गई तो हमारे नौजवान को, बिहार के नौजवान को अभी तक तक किसी को मिला नहीं 5,000 रुपया, तो मांझी जी को चाहिए था कि सरकार से पूछे कि हमने जो कमिटमेंट किया घोषणा पत्र में और हम सरकार में आ गए और हमारे 4 विधायक और 4-8 विधायक के चलते सरकार चल रही है, तो हमारी मांगे कब पूरी होगी, नौजवानों के हम मांग कब पूरा करेंगे, तो ये सवाल उनको करना चाहिए अपने सरकार से। तो आप जो बोले अंक गणित का है, राजनीति में अंक गणित सब कुछ होता है, और अंक गणित बता रहा है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में अंक गणित है, तो आप जो ये बात बोल रहे हैं यही बात BJP के एक MLC बोल रहे हैं टुन्ना पांडे। हाँ तो ठीक है, जो टुन्ना पांडे अगर सवाल उठा रहे हैं तो टुन्ना पांडे लग के सरकार बनाना चाहिए, तो BJP के
तो बीजेपी के तो बात तेजस्वी के कर रहे हैं। हाँ। तो तेजस्वी की बात कर रहे हैं तो एमएलसी है ना। हाँ। वो एमएलए तो है नहीं, बीजेपी के तो एमएलए नहीं ना है वो। एमएलए नहीं है वो, तो एमएलसी है। लेकिन क्या लिखे कि मैंने जो कहा सच ही कहा, इस बार के चुनाव में इस बार के हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव जी को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी राज कर रहे हैं ये कहना है बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी। तो बीजेपी के एमएलसी अगर ये बात बोल रहे हैं, ये बात में दम है और सत्य है। हाँ। तो वो तो एमएलसी हैं। हाँ। उनके दल में बहुत एमएलए हैं। हाँ। जो इनकी भावना को कदर कर रहे होंगे। हाँ। तो उनको ले आके जोड़े वो। हाँ। जोड़े। अच्छा, और ये भी कह रहे हैं बिहार के लिए जोड़े हैं। हाँ। बिहार के विकास के लिए जोड़े हैं। हाँ। बिहार को बचाने के लिए जोड़े हैं। हाँ। तब हम लोग देखे उनकी छवि। नहीं नहीं, टुन्ना जी कह रहे हैं कि अब तो शहाबुद्दीन के करीब ही रहे से। नहीं नहीं, हम कभी नहीं रहे। कभी नहीं उनका आपका कभी नहीं, वो हमसे आके मदद लेते थे तो करीब हुआ ना। नहीं वो आपके करीब ही थे। हाँ नहीं नहीं, वो आपका संबंध उनके साथ ठीक था। नहीं वो आते थे मेरे यहाँ, 6-6 घंटा बैठते थे। हाँ, तो संबंध था ना। ये बात सही है कि वो आते थे मेरे यहाँ बैठते थे। तो उनके बारे में भी बोले हैं टुन्ना पांडे जी। हाँ। कि उनकी हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार का हाथ है। अब उस सब चीज में हम नहीं बोलना चाहेंगे कि टुन्ना पांडे जी की किस ख्याल से क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते। चूंकि कोरोना काल की ये मृत्यु हुई है और कोरोना से हुई है ये जग जाहिर सारे लोग बोल रहे हैं। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो जांच का विषय है। जांच के लिए जनता आवाज़ उठाई है, हमने भी अपना जांच के लिए चिट्ठी उनको दिया है कि इसको जांच कराना चाहिए कि क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, कि आम आदमी या जनता या सिवान के लोग जो क्या सोचते हैं उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो हमने भी सवाल इसका किया था। लेकिन टुन्ना पांडे जी जो बात बोल रहे हैं तो वो तो एमएलसी हैं, एमएलए तो है नहीं। एमएलए अगर उनके पास है तो उनको ले आ करके माझी जी के साथ या साहनी जी के साथ या आरजेडी के साथ जोड़ना चाहिए, सरकार बना देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जनता ने तो मैंडेट दिया था। हाँ, तो वो तो करना चाहिए टुन्ना पांडे जी को, इनमें बुराई क्या है। बिहार को बचाने के लिए करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे पार्टी या हमारे सरकार के लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं बिहार में, झांसा दे रहे हैं, अब हम लोग चले हैं अपना राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगी के साथ, महागठबंधन के साथ, और सरकार बनाने के बाद पहल करना चाहिए। आपके साथ जो आपकी पार्टी के जो विधायक जीते थे जमा खान, वो तो चल गए नीतीश जी के साथ। तो जमा खान जी चले गए, अकेले थे, सिंगल थे, और नीतीश जी के साथ चले गए, कोई बीजेपी के साथ नहीं गए, वो नीतीश जी के साथ गए। नीतीश जी तो फिर बीच में लालू जी के साथ सरकार बनाए किए थे। नीतीश जी के साथ गए तो कोई दिक्कत नहीं बीजेपी के साथ। ये पहले बताइए, अगर जो है जमा खान नीतीश जी के साथ चले गए और नीतीश जी लालू जी के साथ जाकर सरकार बना लिए, क्या है? देखिए, नीतिगत बात होती है, पॉलिसी की बात होती है, विचारधारा की बात होती है। तो अगर जमा खान का विचार अगर नीतीश कुमार से मिल गया और चले गए तो इसमें क्या दिक्कत है? पार्टी का विचार मिलना चाहिए। हाँ, पार्टी और उसका विचार मिलना चाहिए दोनों का। लगता है बसपा का विचार जदयू से मिल रहा है? नहीं, बसपा का विचार जदयू से मिलता तो वो सहयोग करते। बसपा के विचार जदयू से मिलता तो सहयोग करते, बोलते कि हम सरकार, अब जदयू को संख्या बल घट रहा है, हम इसको सहयोग करेंगे। लेकिन उस सीधे सरकार में इन्वॉल्व हो गए मंत्री बनने के लिए। तो उनको चाहिए था कि हम अगर मंत्री बनते तो मायावती जी के सहयोग से बनते, तो उनका दोनों करेक्टर अच्छा रहता। लेकिन उधर से जीते, उधर छोड़े, उधर जा करके मंत्री बन गए, तो ये तो अब जदयू के साथ हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं है। कुछ कानूनी कार्रवाई वगैरह करने के मूड में नहीं? हम नहीं, हमने ये कहा है कि हम वही बात कहना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग आगे बढ़ गए। गंगा जल पिक्चर बना था तो बहुत बिहार के अंदर और देश के अंदर सिनेमा हॉलों में सब लोगों ने, हमारे चाहने वाले सपोर्टरों ने बहुत तरह के ब्लंडर खड़ा किया था कि ये गलत पिक्चर बना करके और हमारे नेता को परोसा जा रहा है। तो ऐसा हमारे नेता का छवि नहीं है जो इसमें दर्शाया जा रहा है। तो उसी तरह से इतना ब्लंडर हुआ कि वो पिक्चर को कई कई बार अवार्ड मिल गया। तो हमारा कहना था कि जो जहां है वहीं इसको इग्नोर किया जाए, इग्नोर करने से ये पिक्चर लोग भुला जाएगा। तो सिनेमा बनता है चाहे लालू जी पे, राबड़ी देवी जी पे, आपके ऊपर। हाँ, तो वही बात बोल रहे हैं कि ठीक है, बनता है। तो बिहार के जो लोग बनाए थे दाल रोटी के लिए बनाए थे,
दाल रोटी के लिए बनाए थे और बिहार के थे, दाल रोटी चलाने के लिए बना लिए, तो हम लोगों ने कह दिया था कि भाई जाइए अब दाल रोटी खाइए। मैंने लालू राबड़ी जी के परिवार पर फिल्म बना के लोग पैसा कमाते, पैसा कमाता है दाल रोटी के लिए करता है, तो यही बात है और कोई बात नहीं है। अवार्डो मिल जाता है, अवार्डो मिल जा रहा है। ठीक ठीक, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये थे अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव जी, बात किए वेब सीरीज महारानी पे, इनको आपत्ति है, राबड़ी देवी का जो कैरेक्टर उसमें कहा जा रहा है रानी भारती जी का है उस पर उनका कहना है कि गलत तरीके से चरित्र का हनन किया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे मुद्दे पे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया घंटी बजा कीजिए, फेसबुक वीडियो देख रहे पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो ज़रूर कीजिए। जय भीम जय भारत।